मैंने कहा लोग हैरियर की इतनी तारीफ करते हैं बट क्या सच्ची में गाड़ी वैसी है कि नहीं है। मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हो गया यार वो गाड़ी चलाकर, लग रहा जैसे जान लग रही गाड़ी में उठने में। वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरा नाम है आशीष। तो आज हम करेंगे यहाँ पर टाटा हैरियर की टेस्ट ड्राइव और देखेंगे कैसी है इसकी परफॉर्मेंस, चलने में कैसी है और क्या परफॉर्मेंस है इस गाड़ी की, वो सब मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। टाटा हैरियर का टॉप मॉडल एक्सजेड प्लस और ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो ये देखते हैं कि कैसे लगता है चलाने। तो इसमें ये मिल जाती है पार्किंग आपकी इस तरह स्टाइलिश ड्राइव। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा लैग लग रहा है मेरे को, ये उठ रही है जब गाड़ी टर्बो का 2000 सीसी है, तो 2000 सीसी कितने चल गई है? 25000 के समथिंग चल गई है। 25000 टेस्ट ड्राइव में चला दी? हाँ जी। अभी ये सिटी मोड पे ही है? सिटी मोड पे, सॉरी स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे। स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। हाँ फर्क पड़ा है ना। पैनोरामिक इंडिया में ज़्यादा ज़रूरत तो पड़ती नहीं सनरूफ की यार, बस शोबाजी के लिए लेते हैं लोग। बड़े सर रेस देनी पड़ रही है ज़्यादा, मतलब जैसे होता है ना 40-50 तक तो 2000 RPM तक तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ फ़र्क नहीं है, 2000 RPM के बाद जो है गाड़ी उठ रही है सही। तो पिकअप का ना वो लग रहा है मुझे, लैग लग रहा है टर्बो का थोड़ा सा इसमें। जैसे मैं अब रेस दे रहा हूँ 2000 RPM तक जो है ऐसा लग रहा है जैसे जान लग रही गाड़ी में उठने में। तो टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी होती है सिंगल हैंड गाड़ी का अपने अलग ही, क्योंकि यार देखो क्या होता है टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी होनी चाहिए बढ़िया, इंसान फिर डिसाइड करता है टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी से, तो इसमें एकदम चकाचक रहनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो बंदा हैरियर लेता है परफॉर्मेंस के लिए ठीक है, और एक रोड प्रेजेंस के लिए लेता है। अगर परफॉर्मेंस में लैग आ रहा है फिर मज़ा नहीं आएगा मुझे लगता है। हैंडलिंग स्टेयरिंग इसकी बड़ी हार्ड सी लग रही है, मतलब जैसे टर्न वन लेने पे सॉफ्ट नहीं है, वैसे बड़ी स्टिफ है। अरे पूरा नहीं आता इसके अंदर, इतना ही आता। इसकी हालत खराब रखी है आपने इस गाड़ी की, जैसे गियर वेरी कड़कड़ कड़कड़ कर रही है। ये ज्यादा स्मूथ है उस वाली से, बहुत साइलेंट है यार उस वाली, नेक्सॉन वगैरह से भी काफी साइलेंट है बहुत ज्यादा। इसका सिटी मोड ही बहुत स्मूथ है, जमीन आसमान का फर्क है इसमें और उसमें। इसका पिकअप वगैरह बहुत बढ़िया लग रहा है, हैंडलिंग वगैरह भी सही है। थोड़ा म्यूजिक सिस्टम इनको मुझे लग रहा है अपग्रेड करना चाहिए, नहीं अब जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है बिल्कुल बड़ी बड़ी स्क्रीन आ रही है इनका, देखने में तो बड़ा लगता है ये बट एक्चुअल में डिस्प्ले है इतनी कम है। म्यूजिक सिस्टम इनका बढ़िया है बट ये थोड़ा डिस्प्ले वगैरह इंप्रूव और कर लेना। ब्लैक है ना, ब्लैक के अलॉयज वगैरह भी पूरे ब्लैक ही दे दिए उन्होंने, हल्का फुल्का एक उसमें सिल्वर फिनिश दे देते ना, अपनी अपनी प्रेफरेंस है, किसी को ब्लैक अलॉय चाहिए पूरे के पूरे। यहाँ से एक राउंड मार के आते हैं, इसकी स्टीयरिंग वगैरह रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया यार, गियर शिफ्ट हो रही है पता भी नहीं चल रहा है। स्पोर्ट्स मोड में है भाई ये दमदार स्मूथ एकदम। इसकी वारंटी वगैरह कितनी देती है कंपनी? 2 साल 1 लाख किलोमीटर। 2 साल और 1 लाख किलोमीटर 30,000 देके आप एक्सटेंड करा सकते हैं 5 साल के लिए टोटल। अच्छा अनलिमिटेड किलोमीटर कितने देकर? 30,000 अनलिमिटेड किलोमीटर हो जाएंगे, तो उसमें क्या रहता है, उसमें सर्विस फ्री रहती है? नहीं, वारंटी में जो आपका जैसे इंजन है गियर बॉक्स है कुछ किलोमीटर के लिए सस्पेंशन होता है। हाँ और इंजन गियर बॉक्स से रिलेटेड सारे पार्ट हैं, सेंसर हाँ, वगैरह हैं, ये सारी चीजें फ्री रहती है। हाँ इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है 5 साल के अंदर तो जो सर्विस जो वारंटी है हाँ, उसमें कवर होगा। इसको अच्छा। चला के सेटिस्फेक्शन से मिल रही है, मतलब लग रहा है यार कुछ बढ़िया गाड़ी चला रहे हैं।
हैरियर में ईवी निकाल दे टाटा, मजा आ जाएगा है? ज्यादा रेंज के साथ। तो भाई गाड़ी चलाने में तो बहुत बढ़िया है यार, ये मैंने पहले रेड वाली जो है टेस्ट ड्राइव ली थी, इसकी मजा अब नहीं आया बिल्कुल भी, क्योंकि एकदम ठुकी पिटी थी गाड़ी, 25,000 किलोमीटर चल चुकी है वो गाड़ी और हालत खराब थी उस गाड़ी की चल चल के। तो मैंने इनको बोला भाई मुझे जो है अपनी गाड़ी लेनी है, तो मुझे एक बढ़िया गाड़ी दिखाओ जिसको चला पाऊँ मैं, लॉजिकल लगे जो चलाने पे। क्योंकि यार वो गाड़ी चलाने के बाद ना मेरा तो ऐसा मन हो गया था ख़राब, मैंने कहा यार लोग हैरियर की इतनी तारीफ़ करते हैं बट क्या सच्ची में गाड़ी वैसी है कि नहीं है, मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हो गया यार वो गाड़ी चलाकर। अब मैंने ये चलाई ना, ये भी सेम ही है, अब मैंने ये चलाई तो अब मेरे को मज़ा आया, मेरे को लगा यार पता चला इस गाड़ी की परफॉर्मेंस क्या है। पहली बार चला रहा हूँ आज मैं हैरियर, तो मुझे तो बहुत ही बेहतरीन लगी यार, मज़े ही आ गए। पिकअप वगैरह बहुत तगड़ा है, 350 Nm का टॉर्क है, तगड़ी है। डीजल में ऑटोमेटिक पता ही नहीं चलता भाई कि गियर कब चेंज हो रही है। तो चलो भाई ये था ओवरऑल रिव्यू मेरा, आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा। तो चलते हैं हम।